कार्रवाई करके खाना पूर्ति की जा रही है। शराब सिंडिकेट पर प्रशासन मेहरबान बना हुआ, अलीगढ़ शराब कांड के बाद भी सबक नहीं लिया गया है। कड़ी कार्रवाई की जगह सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है यहाँ पर, और अभी भी मामले को दबाने में यहाँ पर प्रशासन जुटा हुआ है। मामले में आबकारी मंत्री भी खामोश यहाँ पर बने हुए हैं। एक के बाद एक जिलों में शराब कांड हो रहा है, फिर भी आबकारी विभाग लापरवाह है। आगरा कांड में अब तक 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं। पहले अलीगढ़ कांड, उस वक्त जितनी मौतें हुई उसके बाद तमाम बातें हुई हैं कि यहां पर कड़ाई से एक्शन होगा, धाराएं लगाई जाएंगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अब आगरा में 10 मौतों के बाद भी वही हिलावाली चल रही है। यहां पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ कागजों में ही लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ शराब कांड के बाद भी किसी ने सबक नहीं लिया है और कड़ी कार्रवाई की जगह सिर्फ कागजी कार्रवाई करके लोग बैठे हुए हैं और लोगों की जान यहां पर जा रही है। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अलीगढ़, इन तमाम जगहों पर लाशें हमने देखी है शराब की वजह से, लेकिन उन घटनाओं का कोई सबक नहीं दिख रहा, किसी ने सीखा हो, जाने जा रही है लगातार आगरा में लोग बचते जा रहे हैं जिम्मेदार। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से लगातार तांडव चल रहा है, कभी अलीगढ़ में, कभी लखनऊ में, कभी कानपुर में, कभी बुलंदशहर में, तमाम जगह पर मौतें हो रही है और एक नहीं दो नहीं दर्जनों की तादाद में लोग मरते हैं, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, नीचे के लेवल पर कार्रवाई करके बस छोड़ दिया जाता है। इंस्पेक्टर और सिपाहियों पर ही निलंबन की गाज गिरती है, बाकी जिला आबकारी अधिकारी हो, डिप्टी कमिश्नर हो या ज्वाइंट कमिश्नर हो, इन पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है। आगरा में पहले पूरे मामले को छुपाया गया था और किस तरह से लोगों की मौत को मीडिया में उजागर करने के बाद तब जाकर एडीजी आगरा ने जब वहां पर कैंप किया है लगातार राजीव कृष्णा ने, उसके बाद से ये कार्रवाइयां शुरू हुई, 3 थानों के इंस्पेक्टर निलंबित किए गए, तब ये लगा कि आबकारी विभाग को शर्म के मारे तब उसने जो है अपने इंस्पेक्टर और सिपाहियों को निलंबित किया। तो इस तरह से जिस तरह तालमेल का अभाव है पुलिस और आबकारी विभाग के बीच, वो भी आगरा में दिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आबकारी विभाग के अधिकारी ओवर रेटिंग कराकर शराब से करोड़ों रुपया वसूली करते हैं उत्तर प्रदेश में, और जब इस तरह की मौतें होती हैं तो सरकार को गुमराह करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि सरकार इनके झांसे में आ जाती है और जबकि आबकारी आयुक्त या आबकारी मिनिस्टर पर इसकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि यूपी में करीब 300 मौतें हो चुकी है अब तक जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, और उसमें प्रमुख सचिव आबकारी अगर देखा जाए तो संजय भूस रेड्डी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई है। कितने जिले हैं, बाराबंकी है, कानपुर है, लखनऊ है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, बुलंदशहर है, कहीं बचा नहीं है जहां आप नजर डालेंगे। तो भ्रष्टाचार के चलते ये मौतें हो रही हैं, अधिकारियों को जेबी गर्म करने के लिए हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में लोगों की जान सस्ती है और अफसरों के लिए भ्रष्टाचार बहुत ऊपर है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, और देखिए यहाँ पर जो अफसर हैं वो भ्रष्टाचार लगातार करते जा रहे हैं लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो लगातार जा रही लोगों की जाने। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, कुछ पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो अभी भी बची हुई हैं, छोटों पर ही कार्रवाई क्यों सिर्फ? हाँ निश्चित, भारत समाचार ये लगातार सवाल उठा रहा है कि जिस तरह से लोगों ने, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने इस पूरे सिंडिकेट को बचाने का प्रयास किया, शुरुआती दौर में जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश की और लगातार गुमराह किया कि मौतों के पीछे जो वजह है वो जहरीली शराब नहीं है। लेकिन ये तो FSL रिपोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी जांच में इस बात का खुलासा हुआ और उसके बाद अधिकारी मजबूर हुए कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जो लोग बचाने में लगे हुए हैं, जो यहाँ से लेकर आगरा से लेकर लखनऊ तक दौड़ लगा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? भारत समाचार इस बात को पहले से कह रहा है और लगातार इस पूरे मामले पर आवाज उठा रहा है। जी जी बिल्कुल अनुपम, वहां पर देखिए अभी जो पहली कार्रवाई हमें दिखी वो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की हुई है, लेकिन इसके बाद जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो आबकारी विभाग में बैठे हुए कुर्सियों पर, उन तक कब पहुंचेगी आंच? ये देखिए, विभागीय जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं लेकिन आपको बता दूं कि जिला आबकारी अधिकारी नीलेश पालिया, उनके ऊपर पहले से सवाल उठ रहे हैं, लंबे समय से आगरा में जमे हुए हैं। आगरा में जिस तरह से वनडे बार के नाम पे अवैध लाइसेंस बांटे जा रहे हैं, साथ ही ओवर रेटिंग की शिकायतें हैं लगातार, 24 घंटे ठेकों से शराब बेची जा रही है, इन सारी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा लगातार, और जब जब ये बात सामने आती है तो कार्रवाई के नाम पर
कुछ भी नहीं किया जाता, और यही वजह है कि जो सिंडिकेट है, जो शराब माफिया है, उनके हौसले इतने बड़े हुए हैं जो इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि अधिकारियों की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता इस पूरे मामले में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल तो अलीगढ़ में अभी तक देखिए 10 लोगों की, माफ कीजिएगा, अलीगढ़ का जो कांड था शराब कांड, उसमें जो लोगों की जाने गई उससे भी किसी ने अभी तक सबक नहीं लिया। और आगरा में भी अब मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। और प्रियंका गांधी ने भी अब इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी लिखती है कि आगरा में जहरीली शराब से 13 मौतें हो गई हैं। इस साल उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से लगभग 200 मौतें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में शराब माफिया जहरीली शराब का खुलेआम धंधा कर रहे हैं। पत्रकारों और पुलिस पर हमला बोला जा रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और आगे वो कहती है कि शराब माफियाओं पर क्यों मेहरबान है भाजपा सरकार। तो सवाल भाजपा सरकार से भी, उन लोगों से भी जिनकी जिम्मेदारी यहां पर इस पूरे मामले को देखने की। और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे उसी का रुख करें। आबादी अपने आप को कहीं भी उपेक्षित महसूस न कर सके, इस देश से बालिकाओं के प्रवेश को भी हमने स्कूल के माध्यम से प्रारंभ किया। और मैं इस बार आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार